निकल पड़े यहाँ पर खिलाड़ी का हरी कलर की जर्सी में, दोनों ही टीम अनुशासित टीम, यहाँ अगर बाहर की कोई टीम आई हो तो उनको सीखने को मिल सकता है। निसंदेह जो खिलाड़ी अभी आउट हुआ उनका चयन सीजी केपीएल में हुआ है आकाश कुमार का, काफी सन्नाटा छाया है। और विनोद कुमार हमारे साथी इनके साथ में खेल चुके हो, पांच नंबर की जर्सी में काफी अच्छा रेडर है, ऑलराउंडर खेल खेलते हैं विनोद कुमार, जो कि जामगांव कॉलेज में महाविद्यालयीन छात्र थे, इनके सामने खेला हूँ, बहुत अच्छा खेल खेलते हैं, जो कि आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं पांच। और देखिए देखिए मैं बताया था ऑलराउंडर प्लेयर है, पॉइंट ले लिए कट से है नहीं। तो अनुशासित खेल एक खिलाड़ियों का खेल कैसा होता है, चुप से सन्नाटे से सात दो सात का मैच देख रहे थे। और दबोचेगा यहाँ पर गुलशन कुमार, ये भी ऑलराउंडर प्लेयर है, जाने माने नामी प्लेयर है। कोसा गोदी का भी टीम धमतरी जिला में माने जाने टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, कई जगह प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं कोसा गोदी की टीम, और पहना तो अपने आप में नामी है। अरे वाह, इसी प्रकार देखते हैं दो पॉइंट, इसी प्रकार दो पॉइंट मिलता हुआ कोसा गोदी की टीम को। अभी जिस रेडर ने दो पॉइंट लेकर गया, रेड करके गए दो पॉइंट का, उसने धमना में मैच को पलट दिया था, अकेले अकेले दम पे मैच को पलट दिया था धमना में, और विजय भी रही। पटेल का साथ था इनका, भिड़न लगभग करीबी मामला था दोनों ही टीम के बीच, और आखिरी रेड में डिसाइड हुआ और विजय रही थी सौरा बांधा, लेकिन पटेल ने भी काफी कम असर नहीं छोड़ा था उनको हराने के लिए, लेकिन क्या होता है, ज्यादा मेहनत ज्यादा फल। चलेगा, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैच की ओर ध्यान देंगे। इस प्रकार का आयोजन बहुत दिनों और बहुत वर्षों बाद होता है, तो मैच की ओर ध्यान देंगे। काफी अच्छा मैच चलता हुआ, शानदार मैच अभी तक का मेरे हिसाब से, मैं देख रहा हूँ सन्नाटेदार, शानदार, जानदार, अनुशासित, कुछ भी कहूँ सब इस टीम के नाम है, लेकिन इनाम की बारिश ही नहीं हो रही है, क्या कहूँ मैं। और फिर से अभी सुपर स्ट्राइकर रेडर सौरा माना की ओर से आठ नंबर की जर्सी, काफी फुर्तीले रेडर है, बैठ के बनाना भाई होगा, बैठ के बनाना ले दे यार, होगा नीचे बैठ, ये ईरान बैठू मैं उड़ान कहाँ फेंका थे हमें एक ही चपका आगे। चलेगा विनोद कुमार चल पड़े हैं, लेफ्ट रेडर ऑलराउंडर प्लेयर, और मरी माफ कीजिएगा पहंदा एक ही ओर से पॉइंट मिला यहाँ पर, और काफी अच्छा मैच चलता हुआ, स्कोर एक बार होगा, स्कोर और पॉइंट, स्कोर वही पॉइंट वही छोटा है, समय और स्कोर अवगत कराते रहेंगे मेरे को, ताकि मैं बता सकूं खिलाड़ियों को और दर्शकों को कि क्या चल रहा है, क्या कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और चल पड़े यहाँ पर, तो लगभग बराबरी का मैच चलता हुआ, लेकिन लगता है मुझे रेडिंग पक्ष थोड़ा सौरा बांधा का आगे चलता हुआ, और जबरदस्त दोनों पैरों पर डाइव लगाया था यहाँ पर रेडर ने, डिफेंडर ने निकल गए थे, लेकिन बैक सपोर्ट फटाक से आया, तो सपोर्ट जरूरी है, संगठन का खेल है कबड्डी, जी हाँ संगठन में शक्ति है, एकजुट होकर खेलना पड़ता है, एक साथ खेलना पड़ता है, एक अकेला पहाड़ नहीं पहुंच सकता, हो सकता है मेहनत करे तो। और विनोद कुमार चल पड़े हैं ऑलराउंडर प्लेयर, और कितने पॉइंट अंपायर बताएंगे, दो पॉइंट का इशारा करते हुए पॉइंट मिले, स्कोर और टाइम थोड़ा सा अवगत कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सात छह स्कोर है, टाइम बचा है मात्र 2 मिनट 20 सेकंड खेल बचा हुआ है, लगभग 5 मिनट का खेल निकल चुका है, बीच से आए और दो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, टाइम और दे यहाँ पर सौरा बानो की टीम,
आपने पिछली रेड में देखा होगा कितना जबरदस्त क्लाइन करके रेडर को। जी हाँ, इसके पश्चात तैयार रहेंगे उमरपति वर्सेस कुर्मी गुर्रा दोनों टीम बी ए बी बी। चलिएगा मित्र मंडली भी पहुंची है मिलने के लिए, सबको देखना पड़ता है। चलिए फिर हाल हम मैच देखते हैं, सौरा बांधा वर्सेस बांधा एक मध्य मैच चलता हुआ काफी कसमकस करीबी मुकाबला चलता हुआ एक पॉइंट आगे चल रही है पर सौरा बांधा स्ट्राइकर रेंजर चल पड़े हैं आठ नंबर की जर्सी में, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, थोड़ा कबड्डी का आवाज निकालेंगे, चल कबड्डी का बड्डी थोड़ी लचक मचक मैंने दिया पटकना, चल खाली क्या है पॉइंट का दावा करते हो निशंदे पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। और मेरे साथी कमेंटेटर आदरणीय नंदन तेजस्वरी ऑटो प्लग ऑटो पार्ट्स के फाउंड, चलिए कुछ नहीं कहूंगा, सम्मानीय है आदरणीय हमारे है ना, साथ में जुड़े हुए हैं और शानदार रेडिंग करते हैं वो यहाँ पर गुलशन कुमार पीछे चल रही उनकी टीम और दावा ठोकर निशंदे पॉइंट मिलेगा। काफी अच्छा मैच चलता हुआ इसके पश्चात उमरपट्टी बी वर्सेस सौरा माफ कीजिएगा कुर्मी गुर्रा बी तैयार रहेंगे और जो टीम टोकन नहीं लिए है स्वल्पाहार के लिए वो ले सकते हैं और जाके दबा के खा सकते हैं। तो खाली दे दिया पर समय बचा है मात्र 30 सेकंड का खेल बचा हुआ अभी इस मध्यांतर के लिए, फिर आपके लिए फिर 7 मिनट का खेल रहेगा और वो आदमी 7 मिनट बताएगा कि किसके पाले में जाएगा यह मैच। लेकिन लगभग बराबरी का मैच चलता हुआ लेकिन 9-10 का फर्क जो होता है वो दिखाते हुए यहाँ पर सौरा बांधा की टीम जी 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 और अकेले गए लेकिन जबरदस्त फुटवर्क यहाँ पर और ऑलराउंडर प्लेयर को बाहर करते हुए स्ट्राइकर रेडर का लिखा था। जी हाँ आखिरी रेड ये मध्यांतर के आखिरी रेड रनिंग बैक किक दौड़, रनिंग मतलब दौड़ना और बैक किक मतलब पीछे मारना, रनिंग करते हुए मतलब दौड़ते हुए पीछे किक मारना उसे कहते हैं रनिंग बैक किक। विनोद एक पॉइंट से मैं बता देना चाहूंगा 7 मिनट का खेल हो चुका है, एक हाफ का मैच हो चुका है जिसमें एक पॉइंट से आगे चल रही है यहाँ पर बांधा एक टीम पीछे चल रही सौरा बांधा की टीम। अगर वापसी कर रहे हैं तो पॉइंट देना होगा यहाँ पर किसको सौरा बांधा को। जी हाँ और चयन हुआ है दुर्ग यूनिवर्सिटी से वो अमन कुमार का जामनगर कॉलेज महाविद्यालय छात्र विनोद कुमार। जी हाँ सही डोमेसर कॉलेज से अध्ययनरत है, मैं खुद खेल चुका हूँ इनके साथ खेल। एक पॉइंट से ज्यादा नहीं ज्यादा चल रही यहाँ पर पांडा एक टीम काफी अच्छा खिलाते हुए ये जीना इस तरीके में भाई साहब का चयन हुआ है आसानी से देखिए पॉइंट नहीं देंगे देखिए ये कैसे निकले 3 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा सुपर रेड करते यहाँ पर खड़े हों तो लगभग 4 पॉइंट आगे चलती यहाँ पर पांडा एक टीम और पीछे चलती हुई सौरा बांधा की टीम। इसके पश्चात तैयार रहेंगे और जबरदस्त टैकल सामूहिक संगठन का परिचय देते हुए तब पहुंचे गए। तैयार रहेगा उमरपट्टी बी वर्सेस कुर्मी गुर्रा बी, बाहर से भी टीम है संपर्क साथ दिएगा और जो टीम मैच खेल चुकी है वो टोकन ले ले चलेगा। यहाँ पर ऑल आउट होती है यहाँ पर सौरा बांधा की टीम और ऑल आउट लेती यहाँ पर सौरा बांधा की टीम। टाइम राम भंसुली में मंसूरी में मैच होना है 28 जनवरी को जिसका प्रथम पुरस्कार 6000 रुपए द्वितीय पुरस्कार 4 तृतीय 2000 चतुर्थ 1000
और ग्रामीण महिला वर्ग 500 रुपया, ग्रामीण महिला वर्ग 250 रुपया। दो आकर्षक पुरस्कार है महिलाओं के लिए। तो चतुर्थ का पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार 6000 रुपया। तो बिल्कुल जाइए खिलाड़ी, नाम उठाइए। 28 जनवरी, आप सही सुन रहे, जामगौर के बगल में भंसुलिया, वहां जाइए और मैच का आनंद लीजिए और इनाम पाइए। हाँ मैं बोलते रहूँ कैसा लगता है नहीं। चलिए आगे चल रही है यहाँ पर पांडाए की टीम। तो बारंबार निवेदन करना चाहूंगी, इसी पश्चात जिनका नाम लिया वो तैयार रहेंगे। और बातचीत को धमकी देते हो यहाँ पर, हमेशा से रावा ठोकर पॉइंट मिल जाएगा। टारगेट किए मेरे रेडर को, रेडर या फिर डिफेंडर दोनों बोल सकते हैं। चलता हुआ थोड़ा सा कुछ स्पेशल करना होगा, स्पेशल करना होगा। पॉइंट लेना गहराई में गए और बिल्कुल गोता लगाकर बाहर निकले, पॉइंट मिलेगा सीने पे जो जाते मारे, तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। थोड़ा सा डिफेंस में भी थोड़ा सा चांस लेना होगा यहाँ पर सौरा बांधा को, पीछे चल रही है लगभग 5-6 पॉइंट से। अभी अगर सब खेल दोनों ही टीम के ओर से, कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव तो हो ही नहीं रहा है ना। तो क्या बोलते हैं, अनुशासनहीनता का खेल ही नहीं दिखा रहे दोनों टीम, अनुशासन का परिचय बराबर दिखा रहे हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हो रहे हैं, बराबर ईमानदारी से जैसा है तैसा है। और जबरदस्त एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर सौरभानों को। टाइम और स्कोर बताते रहेंगे, टाइम और स्कोर मेरे को बताते रहेंगे ताकि मैं अनाउंसमेंट कर सकूं। कुमार देख, हाँ 3 मिनट से, जी हाँ कुछ करना होगा नहीं तो घर चलना होगा, पुआ खा के वैसे। हाँ चलो जी हाँ, अंदर देखना है बिल्कुल, दबा के पूरे नापना है, बोनस अवेलेबल नहीं है। 5 और अरे वाह, अब बार बताएंगे टाइम आउट समय काटना चाहेगी यहाँ पर। पांडा की टीम 4 पॉइंट से आगे चल रही है, पीछे चल रही है पर सौरभ पांडे की टीम, लेना होगा। और इस मैच के पश्चात पूरी और सने सने रात्रि बेला और 8 नंबर की जर्सी पॉइंट नहीं होगा सौरभ पांडे को। और अरे अगर ये सुपर रेड हो जाता तो इस मैच में उलट फेर हो जाता, सुपर रेड हो जाता तो उलट फेर हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। अरे उठा ले आंधे आंधे, पॉइंट लेना जरूरी किसको है, सौरभ पांडे को, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं, एडवांस जाना होगा। आंदे 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 आंदे। और काफी कम समय बचा हुआ, तैयार रही घुड़मी गुड़ा बी वर्सेस उमरपुर डीबी, इसके जस्ट पश्चात 2 मिनट, मतलब 2 मिनट और जबरदस्त 1 पॉइंट मिल जाएगा। और 1 मिनट से यहाँ पर टाइमर के ओर से इशारा आता हुआ 1 मिनट का, मेरे सारे मिलन कुमार तैयार रहेंगे मुलाकात के लिए। चलिएगा देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पर सौरभ पांडा के डिफेंडर, और उंगलियों में खिलाते हैं यहाँ पर पांडा एक रेडर। और कुछ खास नहीं करना चाहेंगे, समय काटना चाहेंगे पांडा की टीम क्योंकि आगे चल रही है। अगर सुपर रेड होता है तो कुछ हो सकता है। अरे बाहुबली बड़ी पोहा पाइए, दबा ली है मेरे को लग रहा है, टोकन दिए थे क्या, क्या बोल रहे हैं अकेले फेल दिए भाई, मजा
60 से 70 किलो वजनी रेडर को अकेले मतलब खेपना मतलब उमर बोडी की पोहे में दम है, एक बार चखिएगा। बिल्कुल चलेगा, लगभग शायद यह आखिरी रेट हो सकता है। और इस प्रकार से मैच समाप्त होता हुआ और काफी अच्छा मैच रहा। जोरदार ताली बजाएगा दोनों ही टीम के लिए, काफी अनुशासित खेल खेली दोनों टीम, शांति से जैसा मैच होता है वैसा खेल खेली और विजय रही यहां पर पहांदा।